अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आज मेरे पास आईपैड मिनी है एक, ठीक है। ये है, इसका मॉडल है A1455, ठीक है। और इसके अंदर iOS जो वर्जन है वो 9.3.5 है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने iCloud बाईपास कैसे करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको iCloud बाईपास लगा हुआ है। मैं मज़ीद एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ बैक करके। और ये देखें, iCloud बाईपास iCloud जो है इसको लगा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि iPad mini जो है उसको, iPad mini ये 1455 जो मॉडल है 9.3.5, इसके अंदर iOS वर्जन है, इसको हमने परमानेंटली बाईपास किस तरह से करना है, ठीक है। दोबारा इस पर iCloud नहीं लगेगा। अब आप लगाएंगे भी तो भी इसमें iCloud नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने फॉर लाइफ टाइम इसको जो है iCloud को बाईपास करना है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें। तो चलें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टैब को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इस टैब को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। ये इसका टच जो है मैंने सेपरेट कर लिया है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ इसकी टच की स्ट्रिप कहाँ पे होती है। यहाँ पे इसकी टच की स्ट्रिप होती है। आप कोशिश कीजिएगा कि टच की स्ट्रिप इसकी ना कटे। और इसको ओपन करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि कोई भी एक्सरे या बारीक चीज़ लेके आप साइड से करते रहें तो ये प्रॉपर ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको मज़ीद ओपन करना है। ओपन करके इसका बोर्ड निकालना है और वहाँ से एक रजिस्टर जो है वो रिमूव करनी है, ठीक है। तो मैं मज़ीद इसको ओपन करके आपको रजिस्टर दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली है और कौन सी आपने रिमूव करनी है और उसके बाद क्या करना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और आपको खोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन कर लिया है, ठीक। ओपन करने के बाद ये स्ट्रिप मैंने उतारनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बैटरी डिस्कनेक्ट करें इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर वाली पथरी जो है इसे उतार लें। उतारने के बाद यहाँ पे एक पथरी लगी होगी, मैंने उसे काट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत छोटा सा है, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये जो A5IC है, इसके बाद ये जहाँ पे चार डॉट बने हुए हैं, इस डॉट के, ये जो डॉट है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक छोटा सा डॉट कंपोनेंट है, रजिस्टर है बेसिकली, उसे रिमूव करना है, ठीक है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैं पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। इस कैपेसिटर को, सॉरी रजिस्टर को यहाँ से आप रिमूव करें, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल बैटरी लगाएं और इसके बाद आप ये बेशक लगा दें और अपनी टैब को बंद कर दें, ठीक है। तो ये रिमूव समटाइम ऐसा होता है कि मतलब हम रिमूव करते हैं लेकिन रिमूव होता नहीं है। तो इसका बेस्ट वे जो है वो आप चेक कर लें, इसको इसी तरह फिलहाल ओपन ही रहने दें। और सिंपल इसको आप बैटरी डिस्कनेक्ट थी हमने कनेक्ट कर ली, और इसको अब मैं अपनी 3G टूल से लगाता हूँ और फिर आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट होता है या नहीं। तो इसको मैं जो है 3G टूल से कनेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको केबल लगाता हूँ, तो ये देखें, ये जो है वो कनेक्ट हो गया है, टैब ऑन नहीं हुई, ठीक है। डायरेक्ट वो DFU मोड में गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई डिवाइस कनेक्टेड DFU मोड, ठीक है। कैपेसिटर इसका मतलब निकल गया। अगर ये डायरेक्ट ऑन होगा तो कैपेसिटर आपको वो जो रजिस्टर है वो दोबारा से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सिंपल रजिस्टर निकाली, उसके बाद DFU मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप केबल लगाएंगे और गो फ्लैश पे करें या 3G टूल से करें, तो यहाँ से आपने इसको जो है फ्लैश करना है। कोई भी इसकी फाइल है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने इसकी फाइल डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। तो ये रही इसकी फाइल, और मुझे यहाँ से इसको सिंपल इंपोर्ट करके इसको फ्लैश कर देना है और मेरा जो है iCloud वो रिमूव हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं फ्लैशिंग होने तक। तो ये जो है इसने एरर दे दिया है, ये मुझे फ़ाइल दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक दफ़ा iTunes से भी ट्राई कर लूँगा, ठीक है। iTunes में उम्मीद है कि हो जाएगा। मैं फ़ाइल देख लेता हूँ कहाँ पर मैंने रखी है। ये फ़ाइल इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, मुझे दोबारा से दूसरी फ़ाइल भी करनी पड़ेगी। मैं ये वाली फ़ाइल कर लेता हूँ और ये फ़ाइल भी इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो मुझे अब क्या करना होगा, यहाँ से मुझे ये वाली इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। तो सिंपल मैं इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ़ाइल डाउनलोड होती है तो मैं वापस आके आपको इसको फ्लैश करके दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये वेरीफाई कर रहा है। ये देखें, ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई और मुझे सिंपल अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसको फ्लैश करना है। मैं फ्लैश करता हूँ और ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने टैब लगा हुआ है और फ्लैशिंग हो रही है। तो चलो, ये फ्लैश होता है और फिर मैं आपको जब फ्लैश हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आईक्लाउड बाईपास है हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे और जैसे फ्लैश होता है फिर मैं उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्लैश कंप्लीट हो गया और ये ऑन हो गया। मैं इसे सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री पाकिस्तान मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिखा दूँ कि ये परमानेंट इसका जो आई क्लाउड है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट करके इसकी सेटिंग करता हूँ और आपको मेन्यू पर ला के दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप कोई इस तरह का टैब आए आपके पास, ये वाला मॉडल है, तो इस तरह से आप उसका जो रजिस्टर है वो रिमूव करें और सिंपल उसको फ्लैश कर दें। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है ये वाला मेथड। तो ये वाईफाई मैंने लगा लिया और ये देखिए नेक्स्ट हो रहा है और यहाँ पे पहले आईक्लाउड मांग रहा था और अब ये यहाँ पे आईक्लाउड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं लोकेशन फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। पासवर्ड मैं अभी नहीं लगाना चाहता, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। और सेटअप एज न्यू आईपैड, तो मैं बाद में आईडी लगा लूँगा अपनी, सेटअप इन लेटर। तो फाइनली ये ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप है और उसके बाद ये मेन्यू पे आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा जो आईपैड है वो ओपन हो चुका है। ये परमानेंट इसका बाईपास हो गया। मैं आपको इसका iOS वर्जन भी दिखा दूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका वर्जन है 9.3.5 है और ये आईपैड है और यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आ रही है। लेकिन यहाँ पे बस एक मसला होगा कि ये पहले सिम वाला था तो इसका सिम नहीं चलेगी, अब सिर्फ वाईफाई पे ये काम करेगा। लेकिन ये परमानेंट आईक्लाउड बाईपास हो चुका है। आप लगाएंगे भी आईक्लाउड, ठीक है, फाइंड मैप ऑन कर भी लेंगे तो दोबारा आईक्लाउड पे नहीं आएगा, बेशक रीसेट करते रहें। तो ये था प्रोसीजर कि आपने आईपैड मिनी को किस तरह से बाईपास करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।